Good morning, my dear children. How are you all? I hope you all are well and good. Children, I am your EBS teacher, Miss Renu Chaturvedi. And today we are going to study our EBS topic, living and non-living thing. Student, let's start. Which date is today? Today is 15 October 2023. And which day is today? Today is Sunday. Your subject is EBS and topic is living and non-living . Now children, starting from living things. First of all, the definition of living things is things which can move, grow, breathe and reproduce are called living things. ऐसे things जो कि क्या करते हैं, मूव करते हैं, चलते हैं, जो ग्रो करते हैं, ऐसे थिंग्स जो कि बढ़ते हैं, ब्रीथ मतलब ऐसे थिंग्स जो कि सांस लेते हैं, और ऐसे थिंग्स जो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, वो होते हैं लिविंग थिंग्स. ओके, एंड द एग्जांपल्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स लाइक वी, प्लांट्स, बर्ड्स and animals. These are the examples of living things. Now the characteristics of living things. First characteristic is living things can move. Living things can move. What is the meaning of this sentence? Living things can move. Suppose हम भी क्या है, मैं भी क्या हूँ, एक living things हूँ, मैं भी क्या हूँ, एक living thing हूँ, क्योंकि मैं human being हूँ. और मैंने आप लोगों को previous topic में यही बताया था कि living things ह्यूमन बींग भी क्या है, लिविंग थिंग है. ओके स्टूडेंट, और लिविंग थिंग को सपोज ह्यूमन को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. नाउ लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं. सपोज मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दू, तो एग्जाम्पल में आप लोगों ने सीड तो देखा होगा, सीड पहले सीड होता है, देन वो किसमें कन्वर्ट होता है, प्लांट में, देन प्लांट कन्वर्ट होता है ट्री में. तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बेटा सांस लेते हैं. लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स ऐसे थिंग्स होते हैं जो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं. एंड लिविंग थिंग्स कैन फील, सपोज मैं कुछ ठंडा खा रही हूँ या कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ या आइसक्रीम खा रही हूँ, तो मुझे वो फील हो रहा है, ठीक है, वो ठंडा मुझे कोल्ड फील हो रहा है. अगर मैं टी लेती हूँ और कॉफी लेती हूँ तो मुझे कैसा फील होगा, हॉट फील होगा, ठीक है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. नाउ चिल्ड्रन, सेकंड इज नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग इज द अपोजिट ऑफ, इज द अपोजिट ऑफ लिविंग थिंग्स. जैसे हमने लिविंग थिंग में पढ़ा था ना, लिविंग थिंग्स ऐसे थिंग्स होते हैं जो ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, ब्रीथ करते हैं, अपने रिप्रोड्यूस अपने यंग वंस को जन्म देते हैं. बट दिस इज अपोजिट ऑफ लिविंग थिंग्स. थिंग्स विच कैन नॉट मूव, ग्रो, ब्रीथ एंड कैन नॉट रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर टेबल, चेयर, बुक, बेड. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. चिल्ड्रन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, दे कैन नॉट मूव. नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करती है. दे कैन नॉट ग्रो, ये बढ़ती भी नहीं है. दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. दे कैन नॉट ब्रीद एंड कैन नॉट फील. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ नॉन लिविंग थिंग को समझने के लिए. सपोज दिस इज अ बुक, सपोज दिस इज अ बुक, और बुक क्या है, मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में बताया था, बुक इज अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग. अगर मैं बुक को बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स या नॉन लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं और उसको बुक से कंपैरिजन करूं तो आप लोगों को मे बी अच्छे से समझ में आए.
एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी? आपको लगता है बुक अगर मैंने यहाँ पे रखी है तो वो स्टिल यहीं पे रहेगी, वो मूव नहीं कर सकती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग, दे कैन नॉट ग्रो। अ बुक है तो बुक ना घट सकती है ना बढ़ सकती है। जो बुक मैंने अपने हाथ में रखी है वो बुक स्टिल वैसे ही रहेगी। अंडरस्टूड? दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, बुक कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं होगा, रिप्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। दे कैन नॉट ब्रीथ, जो बुक है वो ना सांस ले सकती है और ना फील कर सकती है। ओके स्टूडेंट, सो चिल्ड्रन आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक केयरफुली एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी कमिंग सून इन दिस चैनल। थैंक यू सो मच।